अच्छा कबीर, मैं ना मार्केट जा रही हूँ कुछ सामान लेने। यही सही मौका है मालिक को फंसाने का। मालिक, अगर आप यहाँ बैठे तो मैं अंदर झाड़ू लगा दूँ। हाँ ठीक है, लगा दो। ठीक है। डॉक्टर साहब, मुझे प्रेगनेंसी चाहिए, वो भी इससे। पहली बात तो ये, यहाँ पे ऐसे इनलीगल काम नहीं होते। मैं कोई झोला छाप डॉक्टर। खुशनसीब हो जो तुम्हें भाभी के हाथ की चाय पीने को मिल रही है। चाय का कुछ और पीने का मन, पर तुम पिलाती कहाँ? मैंने कब मना किया? जब चाहे आ जाओ, तुम्हारे लिए मेरे घर के दरवाजे हमेशा खुले हैं। अच्छा है? क्या हुआ सुगंधा, कुछ गिरा क्या? भाभी क्या हुआ? कुछ नहीं, ये प्लेट गिर गई। ओह, मैं ले लूं? हाँ। बहुत जल्दी आ गई, यही पास में ही हूँ। आने से पहले बताती तो मैं घर पर ही रह जाती। ठीक है, मैं आ रही हूँ। वो रश्मि आ गई है घर पे, मुझे जाना है। दीदी चाय तो पीती जाओ। तुम एक काम करो सुगंधा, मेरे हिस्से की चाय तुम रजत को पिला दो, मैं फिर कभी पी लूंगी। ठीक है? ठीक। अरे यार क्या माल है यार, एक चरिंदी भाऊजी ना रात भर सोने नहीं देती हमारे छोटे संतोष को। एक बार अपनी आशा की किरण अपने दे दे, मजा आ जाएगा पूरा। अरे वो छोड़ो, ये देखो अपने नेत्र से। अरे रूपा रानी आ गई। हाँ। आ, रूपा रानी। बड़ा फैला कर बैठी हो, क्या बात है? रात भर बड़ा फचापच हुआ है का? इतना ही कहेंगे कि रात भर उकुरवा लेते रहे। अच्छा हमरी छोड़ो, तुम अपनी बताओ। हाय, हम अपनी का बताए, हमने तो जो मजा लिया था ना शादी से पहले लिया था। जाने कितने आए कितने गए, पर हमरे शरीर की गर्मी और हमरे यौवन को दे के ना कौन टिक नहीं पाया है आज तक। सोच समझ कर ही कदम रखे थे हमारे पाले में प्रेमी। बड़ी काम घोड़ी हो तुम। वो तो ठीक है, पर हमका तब एक ओ माय गॉड वाला गाना तो सिखा दो। अच्छा। भले ही भैया ने कितनों को गोरी बनाया हो।